अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी फेमस शामी, जिसके लिए मैंने लिया है 600 ग्राम गोश्त, 150 ग्राम चने की दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया है, 1 अदद कोतमीर, 1 अदद पुदीना, 6 हरी मिर्ची, 1 अदद प्याज, अदरक लहसुन, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 50 ग्राम, ये गरम मसाला है, इलायची, दालचीनी, शाहजीरा, लौंग, खसखस, खोपरा, फल्ली, हल्दी, नमक, मिर्ची। अब मैं गोश्त में सारे मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए, गोश्त में हमने ऊंचाई के चम्मच से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अदरक लहसुन घर का बना हुआ है जिससे अच्छे से खुशबू आती है, और लाल मिर्ची, नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। ये देखिए, ये अब हम पहला स्टेप गोश्त को लगाने का बताएंगे, इसके बाद सेकंड स्टेप में हम दूसरा काम करेंगे। ये देखिए नमक, ये मसाले हम सिर्फ गोश्त के हिसाब से ही ऐड कर रहे हैं, हल्दी पाउडर 1/4, ये प्याज, ये सब मैंने धोकर रख लिया है, और ये चने की दाल। चने की दाल अपनी मर्जी से आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे प्रेशर कुकर होने तक, दाल और गोश्त अच्छे गलने तक, इसे 4 से 5 सीटी आने तक, या अगर आपका गोश्त देखिए अगर नरम है तो कम टाइम लगेगा, थोड़ा सा अगर ज़रा सख्त है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा। आप थोड़ा सा पानी, 1/2 गिलास के करीब, चने की दाल भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। चने की दाल को भिगा कर रखने से वो जल्दी से गल जाती है, अगर हम जब का जब करेंगे तो दाल हमारी नहीं गलेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 50 ml। अब हम इसे प्रेशर कुक के लिए ढककर लगा देंगे। ये देखिए, पैन में मैंने थोड़े से ये जो मसाले लिए हमने, फली, खोपरा, उसे हम अच्छे से हल्का कलर आने तक थोड़ा सा उसे फ्राई कर लेंगे। बाद जने ऐड करते हैं, बाद जने नहीं, लेकिन जितने भी चीज़ अगर हम ऐड करेंगे तो उससे एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे शामियों में, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, 1 बड़े चम्मच के होता है 1 खोपरा, 1 चम्मच फली और थोड़ी सी खसखस। से मैं आपको हल्के से रोस्ट कर बताऊंगी। ये देखिए, हमारे खोपरा और फली हल्की सी कलर आ चुका है। हम इसे गैस का फ्लेम में बंद कर इसमें खसखस ऐड करेंगे, क्योंकि खसखस बहुत जल्दी हो जाती है, ये भी 1 चम्मच की उतनी है बस। मसालों को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे मसालों का मज़ा एकदम ख़राब लगता है। हमेशा उसे हल्का कलर दीजिए ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए आपकी डिश में। ये देखिए, मसाले हमारे पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल कर, जो गोश्त को मैंने पूरे मसाले ऐड कर लिया है शामियों का, उसे गैस पर रख दूंगी 4 से 5 सीटी आने तक। ये देखिए, प्रेशर कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है, इसे अब गोश्त के हिसाब से सीटी, जितनी भी टाइम में आपका गोश्त जो गलने का है, सख्त या नरम, उस हिसाब से आप रखिए। मैं 4 सीटी लगाऊँगी, उसी में गल जाएगा। और ये देखिए मसाले, ये देखिए प्रेशर कुकर को मैंने 4 सीटी के लिए रख दिया है। इसके बाद हम, जब तक हमारा गोश्त गलेगा, हम इसका एक, ये जो कोथमीर, पुदीना, जो हरी मिर्ची है, इसे अच्छे साफ धोकर 1/2 चम्मच नमक, और ये जो भी गरम मसाले लिए हैं मैंने, 5 इलायची, दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े, लौंग 4, 2 छोटे चम्मच से 2 चम्मच शाहजीरा, और ये मसाले, इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे, इसका पेस्ट। ये पाउडर तैयार करने के बाद ये पेस्ट को इसमें ऐड कर लेके, गोश्त पूरा पीसने के बाद पूरे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं सेकंड स्टेप आपको बताऊंगी गोश्त गलने के बाद। ये देखिए, 5 सीटी हो चुकी है हमारे, और इसी में हमने प्रेशर, इसी में रिलीज हो चुका है। अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए,
दाल और गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और पूरा पानी इसमें अच्छे से सूख चुका है। पानी में इसमें ज़रा भी चूरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पीसने के बाद अगर इस टाइम अगर आप पीसने के बाद अगर इसमें पानी रहेगा तो शामियां बनते वक्त थोड़ी सी परेशानी होगी। इसलिए ये पूरा पानी देखिए हमारा ये अच्छे से सूख चुका है। देखिए इसमें अब हम इसे मिक्सिंग जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे, इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए अगर इस टाइम चाहे तो आप इसमें नमक भी चख सकते हैं और थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं। दाल तो हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी तरीके से गल चुकी है। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद एक जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। और जो मसाले और जो हरा मसाला था, पहले आप सूखे मसाले पीसिए, उसके बाद हरा धनिया को पीस लीजिए गरम मसाला ऐड करके, उसके बाद दोनों का एक इस तरीके से पेस्ट की तरह तैयार कर लीजिए। अब ये पीसने के बाद हम इसमें ये भी ऐड करके पूरा अच्छे से उसे मिक्स करके आपको बताऊंगी मैं नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए पूरा हमारा अच्छे से पेस्ट एक तैयार हो चुका है। अब इसमें हम शामियां बनाएंगे, उसके बाद हम उसे फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने राउंड तैयार कर लिया है। अब हम इसमें एक लॉस टाइप में भी तैयार करेंगे। इसे हथेलियों की मदद से इस तरीके से रखकर हम दो उंगलियों की मदद से इसे फैला लेंगे। ये देखिए हमारे पूरे शामियां बनकर कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब हमें पैन में थोड़ा सा तेल डालकर कम से कम तेल में इसे हम फ्राई करेंगे। जो ऑफिस वगैरह को जाते हैं उनके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, वो आप बना कर रख ले सकते हैं। आप इसे कभी भी आप खाना पसंद करते हैं इसे फ्राई कीजिए। मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे और थोड़ा थोड़ा सा तेल इसमें ऐड करेंगे। तेल इसे ज़्यादा नहीं लगता। थोड़ा सा इसे चॉकलेटी कलर की तरह हल्का सा कलर चेंज होने के बाद इसे पलटाएंगे। इसे भी हम थोड़ा सा टाइम इससे भी ऐड करें। सिर्फ इसे गला कर पूरे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप आराम से काम कर सकते हैं। दूर से बना कर रख लीजिए एयर टाइट कंटेनर में। आप जब भी खाना चाहते हैं सुबह के टाइम या ऑफिस को जाते हैं उस टाइम आप निकालिए, फ्रिज से एक आधा घंटा पहले बाहर रख दीजिए और इसे फ्राई कर लिए टिफिन में लेकर जाइए। इधर भी एक हल्का इधर साइड भी हल्का सा होने तक हम करेंगे। देखिए ये कलर आना चाहिए हमारे इसको। ये देखिए देखिए दो तरफ भी हल्के से हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का कलर आ चुका है। अब हम इसमें ये शामियां निकाल लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फ्राई करेंगे, ये राउंड करेंगे हम। आप इसको किसी भी तरीके से ये देखिए राउंड को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तेल बिल्कुल कम लगता है, ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं है। ये रेसिपी एक मरतबा आप ज़रूर बनाइए। आपके घर के बड़े लोग जो है उम्र दराज हमारे, वो भी इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पूरे मसाले अच्छे से बारीक से पीसे हुए हैं। उनके दाता नहीं वो भी इसको खा सकते हैं। अगर आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं तो इसे बना लीजिए। अंबाड़ी की भाजी की चटनी वगैरह किसी के साथ भी आप
रोटी के साथ तो इसी तरीके से मज़े के लगते हैं। बस थोड़ा सा तेल इधर थोड़ा सा उधर डालकर हम फ्राई कर लेंगे पूरे शामियों को। ये देखिए हमारे शामियां बनकर तैयार हो चुकी है। इस पर बहुत ही अच्छा सा सुनहरी कलर आ चुका है। जितनी ज़रूरत थी मैंने इतने फ्राई किए। अब जब हम सुबह में खाएंगे तो उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे शामियां बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।